ये चूड़ियां भी ना, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है कुछ मीठा मीठा मोरलेस बीच में आ जाती हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मॉर्निंग चाय शेयर करने का मूड हो रहा था तुम्हारे साथ। इंसान को हमेशा सोच समझ के ही बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ बोलने से या कुछ करने से हमेशा गलती ही होती है। और गलती ना करें तो आदमी और औरत भी मोरलेश भगवान हो जाते हैं ना? और भगवान होने में क्या मजा? इंसान गलती करके शैतान बना रहे उसकी बात ही कुछ और होती है। रसिका इधर आ, किधर है रे? चाचा की आवाज है, समझ में नहीं आया तो बता दूं। रसिका नाम है मेरा, नाम में कितना रस है। पेरेंट्स ने बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद रखा था ये नाम। तुम भी एक बार प्यार से नाम लेके देखो ना, जिंदगी रसीली हो जाएगी। ईशान, ईशान चलो हम जा रहे हैं। कब? नूरापा ऑटो मिल गई? हाँ, हाँ, तैयारी हो गई जी। वैसे भाई साहब अपॉइंटमेंट तो 2 बजे का है ना? हाँ। और अब सिर्फ 12 बजे है, तो आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अरे यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है। चलिए चलिए, ऑटो बाहर वेट कर रहा है, मीटर डाउन है। हाँ, जी। पीछे से बिल्कुल मस्ती मत करना और आपा को बिल्कुल तंग मत करना, और अगर एक भी नूरापा की कंप्लेंट आई तो मैं तुम्हारे बहुत कान खींचूंगी, समझे? दीदी मैं भी चलो क्या, प्लीज? देखो मामा जी साथ जा रहे हैं ना, पीछे से कोई तो मैन होना चाहिए ना जो घर का ख्याल रख सके। मैं मैन हो गया हूँ? अरे कब का, इसलिए तो तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रही हूँ ताकि तुम मामी और आपा का ध्यान रख सको। ठीक है, हाँ संभाल लेना। चलो अंतरा, चलो। अब वैसे मैं भी चलती साथ में, अब मुझे भाभी के पास रहना है। अरे ऑटो में सिर्फ 3 लोग आते हैं, 4 नहीं।
उसके लिए खामा का वो टैक्सी लेनी पड़ेगी। हाँ तो हम टैक्सी क्या? पापा आप टेंशन मत लेना, मैं मम्मी का ध्यान रखूंगी। हाँ मैं हूँ, सब ठीक है, सब ठीक है। चलो हम आते हैं। डॉक्टर वैद्या का कैबिन। चलिए एक्सक्यूज मी, जाइए। अंतरम मम्मा कुछ नहीं, मैं हूं ना आपके पास, है ना, सब ठीक है। आओ मेरे साथ। चलो जाओ भाई साहब। भैया ये डॉक्टर वैद्या कितने बजे तक आएंगे? साहब तो कब के आ चुके हैं, सुबह से ऑपरेशन में हैं। भीड़ देखो, जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। अरे लेकिन हमने कल शाम को अपॉइंटमेंट लिया था। अच्छा अपॉइंटमेंट है, आप अपना नाम इस पे लिख दीजिए, मैं टेबल पे रख दूंगा और जब साहब आएंगे तो वो बुला लेंगे। मिसेस गीता कौल, बुलाओ बुलाओ। गीता कौल जी। हाँ साहब बुला रहे हैं। चलो 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 मम्मा आ जाओ। कुछ पेपर्स हैं? होटल में जाना पड़ेगा। हाय अल्लाह, चाय पीनी है? चुप करो, चुपचाप ये दूध पियो। और ये मेरा चश्मा निकालो, आंखें दर्द करने लग जाएगी। ईशान दूध और मैं, अभी अभी सुना नहीं अंदर ने क्या कहा? मैं घर का मैन हूँ, मैन, और मैन कभी दूध नहीं पीते। मैन? ओहो तो मैन जी आप खाने में क्या खाना पसंद करेंगे? वैसे घर के मैन तो खिचड़ी ही खाते हैं ना। खिचड़ी खा लीजिए। नहीं मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। ईशान फ्रेंच फ्राइज अभी बनाती हूँ। थोड़ा जल्दी करो सरोज, मुझे बाहर भी जाना है। हाय अल्लाह माफ करना इस नालायक को। आने दो अंतरा को, सब कुछ बता दूंगी। तुम अपनी मामी को नाम से पुकारते हो। ओफो नूरापा, आपको तो इतना भी समझ में नहीं आता। ठीक से देखो तो, ये चश्मा, न्यूज़पेपर, चाय के लिए बोलना। अरे मैं पापा हूँ अभी, ईशान नहीं। और ये क्या है, सब लोग बस पैसे के पीछे ही भाग रहे। लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता कि पैसे को इतना भी बड़ा मत करो कि वो सिर पे नाचे। पैसा तो हाथ का
हाथ का वो क्या कहते थे पापा? बैल है ना नूरापा? बैल है हाँ वही वही। एकदम लग रहा हो ना पापा जैसा? डॉक्टर साहब भी ऐसी बातें करते थे, यही सब। उन्हें पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उनकी क्लिनिक में जो कोई भी आता, उसके पास पैसे हो या ना, डॉक्टर साहब का इलाज जरूर होता। नूरापा, उन्हें तो ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ तो सब भाग रहे हैं कि कैसे एक के 11 करें। शायद इसलिए वो चले गए। हाथ से हो कितना टाइम हुआ? जी डॉक्टर साहब 10 दिन हुए हैं। तब से ऐसे ही हैं? जी डॉक्टर साहब, तभी से इनकी हालत वैसी है। हालत? मुझे क्या हुआ है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये मेरा चेकअप क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं दीदी। वो मम्मा, आपने कहा था ना कभी कभी आपके सर में बहुत दर्द होता है, बस इसीलिए और कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो मेरा चेकअप क्यों नहीं कर रहे? यहाँ क्यों भेजा है हमें? पापा ने कहा था कि डॉक्टर वैद्य स्पेशलिस्ट हैं इसमें, इसलिए पापा ने यहाँ पे भेजा आपका इलाज कराने के लिए। अच्छा, आप डॉक्टर साहब के दोस्त हैं? जी हाँ। ये टाइम रैप में है, हादसे के वक्त में ही ठहरी हुई है। वो देखो जिसने रघु भाई की खोपड़ी का टमाटर फोड़ा। अरे हाँ यार, उसको आने दे, बैंड बजाते। अरे रुक रुक रुक, खेलेगा हमारे साथ? डर क्यों रहा है? फ्रेंडशिप भी तो करनी है। आ खेल, आना खेलना हमारे साथ। हाँ चलो 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 चलो, चलो, चलो। जल्दी से पकड़ लूंगा। 1, 2, 3। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। मैं ये कुछ टेस्ट्स लिख रहा हूं, आप इन्हें फौरन करा लीजिए और रिपोर्ट आने के बाद मुझसे मिलिए। डॉक्टर साहब, ये टेस्ट किसी हॉस्पिटल में हो जाएंगे? ब्रेन स्कैन सिटी हॉस्पिटल में आपको करवाना पड़ेगा, और बाकी कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट है वो किसी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में करा लीजिए। मैं आपको एक अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर का एड्रेस लिख के दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब अंदर है क्या? हाँ, अंदर ही है। ये डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ पर टेस्ट करा लीजिए। इमरजेंसी है। आ रहा हूँ।
गेट इट डन इमीडिएटली विदाउट लॉस ऑफ टाइम. रिपोर्ट आने के बाद बात करते हैं. डॉक्टर साहब अगर मुझे फोन करना. अंतरा चले. ईशु घर पे अकेला है ना. डॉक्टर साहब होते तो संभाल लेते है ना. चले. हाँ हाँ दीदी चलते हैं. चलो बेटा. चलो मम्मा. ये फाइल. ए तूने पट्टी उतारी ना तो तू रोतड़ू बच्चा. फिर बस ना ये बोर गेम है. दूसरा कोई गेम खेलते है. नहीं जब हम बोलेंगे तभी गेम खत्म होगी. पहले तो हमको पकड़ के तो दिखा है ना. शंभू तो लेफ्ट में क्यों खड़ा है? देख वो आ रहा है. वो आ रहा है तेरे पास और तेरे पीछे साइकिल है और तू ये पकड़ लिया. पकड़ लिया. अरे डिब्बी तू गाड़ी के पीछे क्यों खड़ा है? देख वो आ रहा है. वो आ रहा है तेरे पीछे और तू पीछे जा रहा. अरे तेरे पीछे रियर व्यू. अरे अरे रुक. यस आउट आउट. बस ए, गेम खत्म. ये क्या था रघु भाई पूरा खेल ही बिगाड़ दिया. खेल होता तो बिगड़ता. क्यों परेशान करे बच्चे को? बिना बात किए भाई उसने आपके सिर पर पत्थर मारा. मुझे ना मेरे आपस का तुम लोगों का दोस्त होना चाहिए. वो जा पट्टी उतार उसकी. शांत. ईशान. अच्छा ईशान ईशान सुन. ए ईशान रुक. ईशान